पौष्टिक आहार के बारे में लोगों को जागरूक करने एवं उन्हें पारंपरिक मोटे अनाजों के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन निदेशालय सोलन द्वारा राज्य स्तरीय ईट राइट्स मिलेट्स मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने किया। मेले में प्रदेश भर से पारंपरिक मोटे अनाज सहित विभिन्न पारंपरिक पौष्टिक आहारों की प्रदर्शनी प्रदर्शित की गई। साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को पौष्टिक आहार के बारे में जागरूक किया गया ताकि जंक फूड से बचा जा सके व बीमारियों पर अंकुश लग सके। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने प्रदर्शनियों का अवलोकन किया व इस तरह के मेलों को काफी लाभकारी बताया। हमारे संवाददाता से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने बताया कि ईट राइट्स मिलेट्स मेले का राज्य स्तरीय आयोजन जो हुआ है ये लोगों को मोटे अनाज के बारे में जागरूक करने के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि आधुनिकता की दौड़ में मिलावटी व पारंपरिक पौष्टिक अनाज कोदा बाथू सहित अनेकों चीजें कम होती जा रही हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उन्होंने पौष्टिक आहार पर बल दिया ताकि लोग स्वस्थ रह सके। ये जो जितनी भी चीजें मैं देख रहा था ये हम लोगों ने बचपन में अपने गांव में जो लोग खुद उगाते चाहे कोदा था चाहे आपका दूसरा जो जिसको यहाँ पे बाथू बोलते हैं या दूसरी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें अपने खेतों में उगती और उगनी चाहिए, अब भी उगनी चाहिए। ये सब पौष्टिक आहार हैं और सचमुच में अगर हम इस प्रकार के आहार प्रणाली को अपनाएं तो हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये बहुत अच्छा होगा, पौष्टिकता की दृष्टि से भी अच्छा होगा। और शायद जो मिलावट हम समझते हैं इस दुनिया में बहुत ज़्यादा फैल गई है उस पर भी अंकुश लगेगा। ईट राइट इंडिया के बारे में जो ये आज का मतलब एक प्रकार से मिलेट्स का ही मेला समझिए, ये स्वास्थ्य विभाग से भी संबंधित है और हमारी जो सब लोगों की एक जीवनचर्या में हम किस प्रकार से खाना खाएं उससे संबंधित है। ये बहुत ही मैं समझता हूँ सराहनीय कदम उठाया है जिसमें ये इतने अच्छे लेवल पर स्टेट लेवल पर लोगों को एक प्रकार से शिक्षित किया जा रहा है और एजुकेट किया जा रहा है कि हमें कैसा आहार खाना चाहिए। ऐसे समय में जबकि एक होड़ लगी होती है कि भाई गांव में एक जैसे मेथी के दाने होते हैं ना ऐसी चीज़ें हमने देखी कई बार, उसको मेथी में मिला देंगे, जो थोड़ी सी मिलती है मक्की से उसको मक्की से मिला लेंगे और अगर कुछ नहीं चलता तो चावल में थोड़े थोड़े उसी प्रकार के चट्टान के हिस्से मिला देंगे, उससे लोग शायद ज़्यादा रिच तो जरूर बनते हैं पर बहुत से लोगों के स्वास्थ्य पे प्रतिकूल असर पड़ता है। और इस दिशा में ये जो मेला सोलन में 2024 का ईट राइट इंडिया करके जो किया है इसका मैं बहुत स्वागत करता हूँ, सराहना करता हूँ। और इस प्रकार की चीज़ें हमारी खासकर खेतों में हो गए, कोदा दोबारा सबसे कूदे, हमारे बाथू ज़्यादा पैदा हो, जितनी भी ये मिलेट्स की सीरीज की चीज़ें ये सब पैदा करनी चाहिए और इनको खाने से आहार हमारा पौष्टिक भी होगा और हमारे शरीर के लिए भी इसका फायदा होगा। हिमाचल प्रस्तुत के लिए सोलन से जैस्मिन की रिपोर्ट।